हे गाइस सैलियर और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैंट्स हैक के ऊपर। तो अगर आप पैंट पहनते हो तो मतलब अगर क्या यार पहनती हो गए मतलब मैं भी क्या बोलने जाता हूँ। तो पैंट हर बंदा पहनता है, तो आज से हम देखने वाले कुछ ऐसे पैंट हैक्स जो अगर आप जिसको फॉलो करते हो तो फिर आपकी जो पैंट्स हैं उसके बारे में कुछ आपको पता चलेगा कि आपको अपनी पैंट्स को या फिर जीन्स को कैसी रखनी चाहिए या फिर उसके जो हैक्स है वो आपको ट्राई करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो पैंट्स या फिर जो जीन्स है वो और भी अच्छी हो सकती है। तो बिना आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और जो साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करो जिससे क्या होगा आने वाली मेरी कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम हमारे पास है वो है वॉशिंग टू मच। काफी सारे जो बंदे होते हैं वो अपनी जीन्स को मतलब काफी ज्यादा वॉश करते हैं, जैसे एक दिन कहीं पहन के गए फिर दूसरे दिन उसको वॉश कर लिया। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपकी जो ब्लू जीन्स होती है, जो डेनिम जीन्स होती है, उसको आपको इतनी जल्दी जल्दी वॉश नहीं करना। आप जब उसको 4-5 बार पहन लें तब आप उसको वॉश करना, नहीं तो फिर अगर आप ये करते हैं तो फिर आपकी जो जीन्स का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाएगा, वो लाइट में आ जाएगा और आपकी जो जीन्स है वो थोड़े दिन में काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी दिखने लगेगी। तो आपको जल्दी जल्दी वॉश नहीं करना है। और अगर आप कहीं गए हुए हैं फंक्शन पार्टी में और अगर आपके पैंट पर ऐसे में कुछ लग जाता है तो सिर्फ आप उतने एरिया को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी पैंट वॉश नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपके पैंट जो है जो आपकी जीन्स है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सेकंड जो हमारे पास है वो है चूजिंग फिटिंग पैंट। तो इसमें बात क्या होती है, जैसे अगर आप कहीं भी जाते हैं अपनी नई पैंट खरीदने तो फिर वहाँ पर ट्रायल रूम नहीं होता और ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि जो आपकी पैंट है वो आपके वेस्ट से वो फिट आएगी या नहीं आएगी और आपकी जो पैंट है वो कहीं ढीली ना हो जाए या फिर टाइट ना हो जाए। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम होती है तो अगर आपके जहाँ पर आप जाते हो पैंट खरीदने वहाँ पर अगर ट्रायल रूम नहीं है तो सिर्फ आप उसमें आप एक हैक अप्लाई कर सकते हो जो आपका भाई आपको बता रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो पैंट है और जो उसका वेस्ट एरिया है वो आपको अपने गले पर ऐसे लगा के देखना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, ऐसे आपको चेक करना है। अगर वो आपकी जो पैंट है वो पूरी आपके गले से सही आई है इसका मतलब वो आपके वेस्ट से भी सही आएगी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार नेक से हम कैसे पता चला सकते हैं कि वो हमारी कमर से जो हमारी पैंट है वो सेट होगी या नहीं होगी। तो जो हमारी नेक होती है वो हमारी जो हमारी कमर होती है उससे पूरा हाफ होती है, और जिससे अगर आप अपनी पैंट को यहाँ से नापते हैं तो अगर आपकी जो पैंट है वो राउंड होकर पूरी सही आ रही है तो इसका मतलब आपके वेट से भी सही होगी, और या अगर आपकी जो पैंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है तो इसका मतलब आपकी वो आपकी कमर से भी सही नहीं होगी। तो मेक श्योर कि अगली पैंट खरीदने से पहले आप ये जो है क्या वो अप्लाई करें, नहीं तो फिर आपकी जो पैंट का साइज़ है जो आपकी वेट से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है या फिर काफ़ी ज़्यादा छोटा हो सकता है। थर्ड हमारे पास है वो है पिन रोल। तो अगर आपकी जो पैंट है वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखती है मतलब काफ़ी ज़्यादा फैली फैली लगती है और अगर आप उसको फिक्स करना चाहते हो तो इसमें आप पिन रोल लगा सकते हो। पिन रोल में क्या करना है, आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो आपको पकड़ना है और वो आपको मोड़ के जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे आपको पिन रोल अप्लाई करना है अपनी पैंट में, और जब आप ये करते हो तो फिर आपकी जो पैंट है वो जो अगर फैली हुई थी नीचे से तो वो काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाली है और वो एकदम स्लिम लगेगी, और जो आपकी पैंट बहुत ज़्यादा लंबी या फिर जो फैली फैली दिख रही थी वो पहले से काफ़ी अच्छी दिखेगी और आप पहले से काफ़ी ज़्यादा कूल दिखोगे। तो आप ये हैक अप्लाई कर सकते हो, पिन रोल अप्लाई कर सकते हो, और पिन रोल काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के होते हैं जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर वो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ से जाके आप देख सकते हो या फिर इसी चैनल पर वीडियो है जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। फोर्थ हमारे पास जो है वो है पैंट जिप। अब इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्या होती है यार कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं उनकी जो नई नई जब जीन्स होती है या फिर नई या मतलब पुरानी जीन्स की भी ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बंदे उस जीन्स को पहनना बंद करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो उनकी जिप होती है वो बार बार खुल जाती है, वो बार बार नीचे हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हर बंदे को होती है और वो मुझे भी होती थी, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ, तो वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो और अगर आपको भी ये चीज़ होती है तो फिर आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो साइड में आपका फ्रेंड है वो आगे आपसे बोलता है भाई तेरी जिप खुली हुई है आपको कैसा लगता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इसको हैक के थ्रू सही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको की रिंग लेनी है, और आपको की रिंग लेने के बाद जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम वैसे ही आपको अप्लाई कर देना है, और ऐसे आपको अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपकी जो जीन्स की जिप है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आने वाली, और चाहे वो कितनी भी खींचे और वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आने वाली, और किसी के सामने आपकी जीन्स आउट भी नहीं होगी और जो भी होता है वो नहीं होगी। फिफ्थ हमारे पास है वो है रिप योर जीन्स। तो अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब अगर आप कोई भी पैंट को रिप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी मम्मी से जरूर पूछ लेना, नहीं तो फिर आपको गालियां पड़ सकती है और हो सकता है मुझे भी गालियां पड़ जाए। तो ऐसे में क्या होता है यार, काफ़ी सारे बंदों के पास पुरानी पैंटें पड़ी होती है जिसको पहनना बंद कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई होती है। तो अगर आप चाहो उसको पहनना फिर से, अगर आप उसको पहनना चाहते हो तो आप उसको रिप कर सकते हो, उसको डैमेज कर सकते हो मतलब डिस्ट्रेस कर सकते हो उसको जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको डिस्ट्रेस करने से क्या होगा कि आपकी जो पुरानी पैंट है वो नए मॉडल में आ जाएगी, और ये जो है कि ये मैंने खुद अप्लाई किया है, जो मतलब जो मेरी पुरानी पैंट थी जो जीन्स थी उसको मैंने ऐसे डिस्ट्रेस करके मैंने बहुत पहनी है पैंट और वो काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। और अगर आपको देखने की डिस्ट्रेस कैसे करनी तो मैंने वीडियो बनाई है जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो, और अच्छी तरह से आप उसको डिस्ट्रेस कर लो और फिर उसके बाद जो आपकी पुरानी
पैंट है जो आप उसको नहीं पहनते थे, जो ऐसी पड़ी हुई थी, उसके डिस्ट्रेस करने के बाद आप उसको पहन सकते हो और कहीं आ जा भी सकते हो, तो काफ़ी सही पैंट हो जाएगी वो अगर आप उसको डिस्ट्रेस करके पहनते हो तो। तो ये थे कुछ ऐसे 5 हैक्स पैंट के बारे में जो हर बंदे को पता होने चाहिए थे। अगर आपको पता था तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो आपको, अगर इस वीडियो को थ्रू पता चल पाया तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है, अगर आपको कूल स्मार्ट हैंडसम बनना है तो इसलिए अभी आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और जो साथ में बेल का आइकन है उस पर भी टैप करो, जिससे क्या होगा जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब मिल जाएगी और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाओगे। और अगर आपने अभी तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो करो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको डिस्प्ले पर शो हो रही होगी, जाके वहाँ आप मेरे को फॉलो करके देख सकते हो मेरी कई सारी फोटोज, जाके आप उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड कन्फ्यूजन होती है वहाँ पर आके मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बस मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।